साथियों, जिस प्रकार नींबू की रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंध को बर्बाद कर देता है। तो साथियों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और बापीदा और हम एक मंच पर आए हैं, इसलिए हमारे तमाम देशवासियों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन, जोहार, केमछो और सत श्री अकाल। हम खुशनसीब हैं कि हमारी जिद के आगे बापीदा का एक नहीं चलती है, ये आ ही जाते हैं मिलने के लिए। चूँकि मॉर्निंग से ही हम इनको डिस्टर्ब किए हुए थे कि सर आइए आइए, तो बोला अच्छा मुबारक जी, चूँकि इनको फुर्सत बहुत कम रहता है। तो साथियों, बापीदा स्नैक एक्सपर्ट, क्या नाम है? बापीदा स्नैक एक्सपर्ट के नाम से यूट्यूब में एक चैनल है, आप भली भांति देखिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चूँकि सांप से जुड़ा हुआ तमाम जानकारियाँ आपके मोबाइल के स्क्रीन तक पहुँचता रहेगा। तो आज हम और बापीदा एक ऐसा ही सांप को रिलीज करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैंडेड क्रैत, और अब बापीदा आपको बताएंगे बैंडेड क्रैत के बारे में। दोस्तों, अभी हम लोग इस जगह में है, अगल बगल का एक जंगल है और यहाँ पर हम लोग ये टेम्पोरारी एक टेबल और कुर्सी लगाए हैं और हम लोग ये बैंडेड क्रैत को छोड़ने के रिलीज करने के लिए आए हैं। ये भारत में जो है ये अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है और ये जल्दी बाइट नहीं करता, इसका खासियत सबसे बढ़िया। और किस लिए बाइट नहीं करता? इसका जो दांत टीथ होता है बहुत पिछले भाग में होता है और बहुत शर्मिला होता है। ये जब भी ये आपके इसके पास जाता है, कोई खतरा महसूस होता है, आपका बॉडी में ही अपना मुंह को छुपा लेता है। और ये बैंडेड क्रैत त्रिभुजा का रेक्टेंगुलर का होता है, मैंने साफ सा कहा जाए कि ये शर्माता भी है, बहुत बहुत शर्माता बहुत शर्माता। और ये इसका भोजन मुख्य आहार जो है सिर्फ सांप है, ये किसी भी प्रकार कोई भी सांप को खा सकता है। देखने में तो शर्मिला और फुर्ती नहीं है, लेकिन ये किसी भी सांप को खा सकता है, इतना खतरनाक होता है। और इसमें इसका जो जहर होता है न्यूरोटॉक्सिन और बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, लेकिन जल्दी बाइट नहीं करता ये, लेकिन बाइट कर ले तो बचना नामुमकिन है। दोस्तों, और एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो रसल बैंडेड क्रैत है ये उभयचर होता है, मतलब पानी में और स्थल में, जमीन में भी रहता है और पानी में भी रहता है। पानी में मछली और सांप दोनों खाने के लिए जाता है और जमीन में भी घूमता है। ये लगभग 5.5 फुट 6 फुट तक लंबा होता है, बहुत मोटा करके। इसका बारे में अंधविश्वास ये है, बहुत सारा आदमी ऐसा ऐसा अंधविश्वास फैला के रखे हैं, ये अगर 4 किलो से ऊपर होता है तो ये करोड़ों में बिकता है। रॉन्ग है। तो दोस्तों, ये ऐसा मत जाइए, ये ऐसा करोड़ों में कोई बिकता नहीं। अगर ऐसा होता है तो मुबारक जी, हम लोग ऐसा वीडियो नहीं बनाते, खरापति अगर बैठे रहते हैं। साल में हम लोग बहुत सारा रेस्क्यू करते हैं, फिर पुनर्वास के लिए रिलीज करते, जैसा अभी हम लोग रिलीज कर रहे हैं। क्या जी 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 हाँ। तो साथियों, इसका हिंदी में राजसांप, बंगला में शाखा मोती, इंग्लिश में बैंडेड क्रैत और एक साइंटिफिक नेम है बंगरस। खास करके हमारा पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि पूंछ से काटता है। हाँ। तो ये मिथक है दोस्तों, देखिए ये पूंछ है। हाँ हाँ। इसका होता क्या है, मुंह और पूंछ दोनों एक ही तरह मोटा होता है, पूंछ थोड़ा मोटा, तो इसको मुंह समझ रखता है, ऐसा कोई काटता नहीं है। ठीक है, बहुत सारा आदमी अलग अलग अंधविश्वास इसका है। और ये देखिए जिस तरह ये रेक्टेंगुलर, इसका ऊपर का ये जो है उठा हुआ रहता है, अब बांस से मारते हैं तो ये जंप करता है, तो ये जल्दी मरता नहीं, तो इसलिए बहुत आदमी झारखंड में इसको बंदफोड़ नाम से भी बोलते हैं। जी जी जी, बांसफोड़। साथियों, लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक अच्छा वसूल है कि जिस कुएं में लोग पानी पीते हैं वो कभी सूखता नहीं है। तो हम बापीदा से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बापीदा अपने हाथों से इसे खास करके इस फॉरेस्ट में छोड़ दे। सर छोड़ दीजिए, नहीं चला जाएगा, वो एक बार अगर मोमेंट ले लेगा ना तो ये चला जाएगा। देखिए, जाने दीजिए, साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। और हम गर्व से कहेंगे वंदे मातरम।